महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलवाया और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती का पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है, इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की बात कही और भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल भी पूछे। सभी सवालों के पीछे उसका एक ही सवाल था कि उसका क्या दोष था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जवाब दिया, वह आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है और शायद हमेशा रहेंगे। तो आइए जानते हैं कर्ण और श्री कृष्ण के इस संवाद को। कर्ण ने कहा कि मेरे जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या यह मेरा दोष था? कन्हैया, परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन साथ में श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, इसमें मेरा क्या दोष है कन्हैया? संयोग बस एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था कन्हैया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, इसमें कोई मेरा दोष नहीं था कन्हैया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वह भी जब बताया जब उनके बेटों पर संकट आया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था कन्हैया। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण ही प्राप्त हुआ है, इसमें कोई मेरा दोष नहीं है कन्हैया। तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहां हूं कन्हैया? कर्ण के सारे सवाल सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कर्ण के सभी सवालों का जवाब दिया और बताया कि दोष कहां है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मामा के कारागार में हुआ, जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता, मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले भी झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी, इतना ही नहीं मुझे तीनों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे कोई शिक्षा मिली थी, 16 साल का होने पर मुझे ऋषि संदीपन के गुरुकुल में पहुंचाया गया। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली, और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा था जिनसे मैंने कभी प्रेम नहीं किया था, अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था मुझे उनसे विवाह करना पड़ा। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे रणछोड़ तक कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो अगर युधिष्ठिर युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो या आपके अत्यंत अपमान की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीजों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण और कर्ण की बातें। यह सुनकर यदि आपको कोई भी सीख मिली है, इनसे आपने कुछ भी सीखा है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।